सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आज क्लास वन है और हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी तैयारी है थर्ड सेमेस्टर की बहुत ही अच्छे ढंग से वो कर सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका मैथ पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। जो लघु उत्तरीय होता है वो 2 नंबर का होता है और शेष जो बहुविकल्पीय और अति लघु जो होता है वो 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, सो चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अति लघु राजन सीरीज में सबसे पहला जो प्रश्न दिया है कि यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया है कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। और फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और आई होप कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल सूत्र पूछा है कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाता है, जो सूत्र हो जाता है, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन यानी क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए, मूलधन यानी हम सिंपल कहते हैं यहाँ प्रिंसिपल, दर यानी रेट, और टाइम यानी टी से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, और 100। ठीक है, और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र तो हो जाता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में मैं एक क्वेश्चन भी चलिए पूछ लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को अगर सवाल के साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, वैसे ही नॉर्मली मौखिक रूप से बस बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 रुपये का 20% की दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये प्रश्न है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 साल का जो SI है यानी जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन, दर इंटू समय और बटे में 100। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो क्या है, तो 5,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई जो यहाँ पे दर है वो क्या है, तो 20% है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, टाइम कितना है, तो 3 साल, और यहाँ पे बटे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। और क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ये दो जीरो है इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि 30 आया था, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,000। यानी 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3,000 होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर यही मिश्रधन पूछ ले, ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, अगर यही मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आपका जो SI है वो कितना आया है, 3,000 है, और यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो कितना है, तो 5,000 है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 और 5,000 को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 3,000 और 5,000 को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मिश्रधन है वो जो अमाउंट है वो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्रधन, मूलधन, ये सब आप सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मूलधन का फॉर्मूला पूछ लेता है साधारण ब्याज ना करके, यानी प्रश्न पूछ ले कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, दर ज्ञात कीजिए, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है, उसके बाद जो भी शेष रहता है उसको हम बटे में लिख देते हैं, तो दर इंटू समय हो जाएगा। उसके बाद दर बराबर ब्याज इंटू समय, और जो भी शेष रहता है मूलधन इंटू समय।
और समय बराबर हो जाता है ब्याज इंटू 100 और दर मल्टीप्लाई मूलधन। तो ये जो सूत्र है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है कि साधारण ब्याज, या हम कहें प्रश्न नहीं होकर भी ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्रधन में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है। सो फ्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में कहें साधारण ब्याज तो होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी होता है प्रिंसिपल, और मिश्रधन यानी अमाउंट। यानी यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे कि अभी हमने आप सभी को सवाल जो दिया था, यानी जो सवाल बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो जो आपका यहाँ पे मूलधन था वो कितना था, 5000 था, है ना। उसके बाद से जो हमने SI निकाला वो कितना था, तो 3000 था। और उसके बाद से मैंने आपको ये भी बताया था कि मिश्रधन कब किसे कहते हैं, कैसे करेंगे, तो हम मूलधन को और SI को जब आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा मिश्रधन आ जाता है। बट यहाँ पर देखिए, अगर आपको मिश्रधन से, ठीक है, मिश्रधन से साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, मिश्रधन में से मूलधन को आप घटा लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि साधारण ब्याज, मूलधन व मिश्रधन में क्या संबंध है, तो आप ये फॉर्मूला लिख के और बहुत ही आसानी से बता सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। सो फ्रेंड देखिए, ये भी हमने बहुत ही अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा था, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है मिश्रधन माइनस में मूलधन, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए मिश्रधन का भी पूछा है, तो ये फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला से आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर, और जितना भी साल दिया हो, ठीक है, आप उसको आप ऐड कर लीजिएगा, यानी जो दर है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा, ठीक है, और बटे में 100। अभी मैं आपको सवाल के अकॉर्डिंग अभी आप सभी को बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी के साथ उसको कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि एक मैं आपको प्रश्न देती हूँ, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे भी। सो यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बट इसको हम क्या करेंगे, SI ना निकाल कर CI निकालेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि 5000 रुपये का, ठीक है, 5000 रुपये का 20% की दर से, ठीक, 20% की दर से दो वर्ष का, जी हाँ फ्रेंड्स, दो वर्ष का जो CI यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए अब इसको हम कैसे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने सूत्र बताया, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिश्रधन निकालना होगा, उसके बाद से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो ये पूरा नियम होता है। सो फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पे, कि सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे में 100, ठीक है। और क्योंकि जब मैंने बताया कि जब जितने भी साल हो उसको क्या करना है, डैश डैश, इसका यही मतलब होता है कि जितना भी साल होता है हम उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 5000 रुपये का 20% की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो मूलधन कितना है, तो 5000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दर दिया है वो क्या दिया है, तो दर हमारा 20% था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 प्लस आर यानी 100 में जो भी आपका दर है आप उसको ऐड कर लीजिए, तो 100 में जब 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और बटे में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। और क्योंकि एक और साल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 और बटे में 100 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यानी जितना साल होगा, जितने भी साल होंगे, 3 साल होगा तो हम फिर से 120, 4 साल होगा तो हम फिर से लिखेंगे, यानी जितने भी साल, 10 होगा तो हम 10 लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ कट कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 12 बार हम 144 हो जाता है, और 144 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 144 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7200, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मिश्रधन हमने निकाल लिया, अब क्या करना है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्रधन और मूलधन,
ठीक है, यानी मिश्रधन में से मूलधन को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो 7200 है यानी 7200 है, और हम क्या करेंगे 5000 में से घटा देंगे। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2200, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे में 100 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, जितने भी ईयर हो हम उसी के अकॉर्डिंग इस पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, बट मैंने जो ऊपर वाला बताया अगर आप उसको करके सवाल लगाते हो तो बहुत ही आसानी से, बट अगर एक सूत्र पूछता है तो आप इसे लिख सकते हो CI बराबर P। ठीक है, और यहाँ पे P मतलब होता है मूलधन, ठीक है, 1 प्लस R बटे में 100, और यहाँ पे N मतलब टाइम भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस मूलधन। तो जो मैंने अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग, तो आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमाउंट यानी मिश्रधन मैंने लिखा है, प्रिंसिपल मूलधन होता है, रेट दर होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज T यानी टाइम। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रूपांतरण क्या होता है, कि रूपांतरण वह समय अवधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लिए थे। जैसे कि अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहें, जैसे कि हमने पहले साल में आपको 2% की दर से या जो कुछ जितना भी दर हो आप यहाँ पे ब्याज देते हो, ठीक है, तो ब्याज देते हो और फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि ये जो ब्याज होता है ये आपके मूलधन में काउंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हो, ऐसा सवाल तो आएगा नहीं, तो इसलिए आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब याद करने की कोशिश ना करें, बस आप समझ लीजिए कि रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ आपका प्रश्न है, लाभांश शेयर की किस मूल्य पर दिया जाता है। तो ये भी अगर हम कहें तो बस याद करने मतलब याद कर सकते हो कि ये नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कि यदि समुच्चय A बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ठीक है हो, तो और यहाँ पे B दिया है 1, 5, 9, 13, 17, 21, तो समुच्चय यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इसका जो भी चिन्ह है ये समझ में आना चाहिए, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐसे होता है, ठीक है, और एक ऐसे होता है, तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जी हाँ फ्रेंड, इंटरसेक्शन, और जो नीचे की साइड होता है इसको हम बोलते हैं यूनियन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ये मैं आप सभी को बता दूं। तो देखिए जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम इंटरसेक्शन की जगह पे कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है, और जो यूनियन होता है ये इसमें सभी आ जाते हैं, यानी क्रम वाइज सभी आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, कि यदि समुच्चय ए में 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और बी में 1, 5, 9, 13, 17, 21 हैं, तो समुच्चय ए यूनियन, या फ्रेंड्स यूनियन पूछा है, ए यूनियन बी का मान बताइए। सो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बराबर जो दिया है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दिया है, ठीक है, बी बराबर दिया है यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17 और 29 और पूछा है कि ए यूनियन बी का मान क्या होगा। देखिए यूनियन यानी सिंपल, देखिए यू की तरह नहीं बना है ना, बना है ना यहाँ पे, तो आप बस इसी के अकॉर्डिंग इसको आप समझ लीजिएगा कि जो यू यानी यूनियन, ठीक है, नीचे की तरफ जो बनेगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉमन, ठीक है, कॉमन। तो इसलिए यहाँ पे क्या केवल क्या कहा है, यहाँ पे जब यूनियन की बात करें तो सभी आ जाते हैं, तो सभी आते हैं यानी आप क्रम से सबको लिख देंगे, यानी जितने भी अंक हैं बस एक बार ही लिखे, कई बार नहीं लिखना है। तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा 13 हो जाएगा
ठीक है, 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी अंक होते हैं हम क्रम वाइज एक सिक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है, ये यूनियन बी, इस तरीके से हम लिखते हैं। बट अगर देखिए फ्रेंड्स, यही पे अगर इंटरसेक्शन पूछा होता, ये ना पूछ के पूछा होता कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए, सो फ्रेंड्स हम क्या करते, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखते। तो जब आप कॉमन देखते तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, 5 ए में भी है बी में भी है, 7 को अगर हम देखें तो 7 ए में तो है बट बी में नहीं है, 9 को अगर देखें तो ए में भी है और बी में भी है, 11 को अगर देखो तो 11 ए में है बट बी में नहीं है, 13 को देखो तो 13 ए में भी है और बी में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हो जाता है यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉमन होगा हम इसको बस लिख लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, इजी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला जो आपका प्रश्न है, 9a² - 24a + 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करना है, भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, भाग देने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से सब में भाग देना है तो हम ऐसे लिख लेंगे 9a² - 24a³, ठीक है, 3a से भाग देना है। उसके बाद से प्लस 18a³³। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2a है, तो एक ए से एक ए कट जाएगा और अभी एक ए है, और ये 3 से 9 जाएगा कितनी बार में, तो 3a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे एक ए से यहाँ भी एक ए है और यहाँ भी एक ए कट जाएगा, और ये 3 से जाएगा कितनी बार में, तो जाएगा 8 बार में, ठीक है, -8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक ए है और यहाँ पे 3 1 है, तो यानी एक कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 3 से जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3a - 8 + 6a², ठीक है। अब क्या कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा घात वाला होगा हम इसको पहले लिख लेंगे, तो 6a² - 8 + 3a हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके से भाग देने को कहे तो आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 आवर में जो होता है वो कितना होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे 2 घंटे दिया है, तो 2 आवर में कितना होगा, तो 120 मिनट होगा, और प्लस 15 मिनट तो हो जाएगा 15, और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो 135 हो जाएगा, 135 मिनट और 45 मिनट का पूछा है। तो यहाँ पर हम इसको अनुपात में लिख लेंगे कि 135 अनुपात 45, ठीक है। अनुपात को हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे 135 बटे में 45, 45 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 45 से कम 45 और 45 दिया 135 हो जाता है। तो 3/1 को हम क्या कर सकते हैं, अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अदर ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके क्योंकि सिलेबस में है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ओ बी सी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, बहुत ज़्यादा है, टफ नहीं है। अब कैसे इसको करना है ये समझ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिस तरीके से दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी पूछ रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ उसका आंसर भी आप सभी को करने वाले हैं, और आपको 100% कन्फर्म में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो यानी यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है, जो पॉइंट कह रहे हैं हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक केंद्र है जिसका नाम है ओ,
अब इसी को मान के एक वृत्त बनाया है, ठीक है। तो यानी चाप के आकार से यहाँ पे एक हमने वृत्त बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक। अब प्रकार की सहायता से अच्छा बनाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि कोण OBC बराबर 40 डिग्री है तो, यानी यहाँ पे कोण OBC, यानी यहाँ पे हम कोई भी दो बिंदु, यानी O तो है, अब O ही को मानकर ये BC दो बिंदु से एक कोण बनाया है, तो हम कहीं भी मान ले सकते हैं यहाँ पे B और C, तो ये एक कोण बन गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्र में ही बना है। तो इस तरीके से कह रहा है कि कोण OBC जो है वो कितना है, तो 40 डिग्री का है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा, 40 डिग्री का होगा। और फ्रेंड्स एक त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना कि ये भी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, और हमें ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला ज्ञात करना है, तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी, आप समझ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि 180 डिग्री का होता है जब ये दोनों 40 का है, और हमने इसको x मान लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 40 प्लस एक्स बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद से हम 40 और 40 को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस एक्स बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद से एक्स बराबर 180, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 80 है, और यहाँ पे यानी 180 में से 80 को घटाएंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि x का मान क्या है, तो x का मान यानी 100, यानी ये क्या हो गया, 100 का हो गया। सो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो हमारा त्रिभुज है, यानी जो हमारा कोण है वो कितना है, 180 हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कह रहा है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण B, यानी इसी बिंदु से एक और कोण बनाएगा, ठीक है, एक और कोण एक को मानकर बनाएगा, यानी बिंदु B बिंदु C से, यानी इसी चाप से बनाएगा। तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं और इस तरीके से हम इसको खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा है, तो पूछा है कि कोण BAC का मान क्या है, कोण BAC का मान क्या है। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता लग गया कि ये जो बीच का है ये 100 है, तो ये इसके आधा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी कोण पूछे, देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल कहें, यहाँ पे ये 100 है ना, तो ये इसके आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी ये बनता इसी नाप से, बी और सी से यहाँ भी बनता जैसे इस तरीके से ऐसे, तो ये भी कितना होता, तो ये भी 50 का ही होता, ये भी 50 का ही होता, इधर बनता तो भी ये 50 का ही होता, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। यानी जब दो बिंदु से यहाँ पे बीच केंद्र मानकर और ऊपर इसी बिंदु से जब खींचा जाएगा तो वो उसका आधा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कोण BAC का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपको बहुत ही अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक पर समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं आप सभी को बता दे रही हूँ ये क्या है। कह रहा है कि रूट यहाँ पे क्यूब रूट 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको आसानी साथ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका सवाल है 0.001, तो सबसे पहले तो हम इसको पॉइंट यानी जो आपका दशमलव है इसको हटाएंगे, तो जब दशमलव हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3, ठीक है, और यहाँ पे 100 यानी 1000। अगर यहाँ पे 5 होता, अगर दशमलव होता, तीन जितने भी अंक होते दशमलव के बाद जितने भी अंक होते या जीरो होते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं बटे के फॉर्म में, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप 3 देख सकते हो, है ना, 3, तो हमने 3 जीरो बढ़ा लिया। अब क्या करना है कि क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको अलग अलग ऐसे लिख लेंगे,
ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, एक बटे में दस मल्टीप्लाई एक बटे में दस मल्टीप्लाई एक बटे में दस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों का पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो तीनों का पेयर हम बनाएंगे तीन का, तो क्या हो जाएगा, एक बटे दस, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1। ठीक है, देखिए मैं फिर से आप सभी को समझा दे रही हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे क्यूब रूट 0.001 का मान है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के लिए हम बटे के फॉर्म में दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे रूट है, ठीक है, और हम यहाँ पे जितने भी दशमलव हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 0.001 है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको हटाया तो हमारा एक और जितने भी हैं, हमने यहाँ पे चार आ गया तो हम यहाँ पे चार बढ़ा लेते, यहाँ पे पाँच होता तो हम क्या करते, पाँच बटे में हम उतना ही जीरो ऐड कर लेते। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये किया है, ठीक है, वन मिनट, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे तीन अंक है तो हम तीन जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि क्यूब है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से, थ्री एक बटे में दस मल्टीप्लाई एक बटे में दस मल्टीप्लाई एक बटे में दस। अब हम तीन का पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर बन गया तो हम इसको एक बार लिखेंगे एक बटे दस, एक में दस का भाग देंगे तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला जो आपका सवाल है कि क्यूब रूट -64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप -64 को आप इस तरीके से इसको वर्गमूल कर लीजिए, ठीक है। तो 64 हो गया, इसको 2 से कट कीजिए तो ये 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतना तो आता ही होगा आप सभी को, तो कन्फर्म है 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 है वो कितनी बार, 6 बार आया है, ठीक। उसके बाद से हम क्या कर लेंगे, जब 6 बार आया है तो हम इसको इस तरीके से करड़ी में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम इसका 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के फॉर्म में है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस 729 का करेंगे, तो 729 आपको पता है किसका है, 9 का है, ठीक है। तो इसका भी आप निकाल लीजिए ऐसे ही, चलिए इसका भी मैं निकाल दे रही हूँ, इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह मिल सके, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 729 का, 729 का अगर हम निकालते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 243 हो जाएगा। उसके बाद 3 से ही काटेंगे तो ये जाएगा आपका 81, फिर से ये जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 3, ये भी आप देख सकते हो 6 बार ही आया, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। और 3 का पेयर बना दीजिए, 3 का पेयर बनाएंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो -4 और -9, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर -4 × 9, और आप जब इसको गुणा करेंगे तो -36 इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है, और आपको आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हो कि थोड़ा और अच्छे से डीपली समझाइए, तो हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।